सोलन वार्ड नंबर 14 के निवासी पूर्ण रूप से खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे ऐसी सड़क पर वाहन चलाते हैं जिस पर पैदल चलना भी बेहद मुश्किल है। जान हथेली पर रखकर वे इस सड़क से आते जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, रोड को एम्बुलेंस रोड के नाम से जाना जाता है, जिस पर करीबन 30 से 32 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस रोड पर एक बार भी एम्बुलेंस नहीं आ पाई। यही नहीं, जब इस रोड का उद्घाटन हुआ था उस दिन भी प्रशासन द्वारा ये एम्बुलेंस को लाया गया था, लेकिन जाते समय उस एम्बुलेंस को कई लोगों ने धक्का मारकर उसे बड़ी मुश्किल से सड़क में पहुंचाया था। अब इस रोड की हालत ऐसी हो गई है कि इसमें लोग पैदल चलने से घबराने लगे हैं। जो लोग जोखिम उठाकर इस सड़क पर चलते हैं वे अक्सर चोटिल हो जाते हैं। एम्बुलेंस के चालक इस और पर आने से साफ मना कर देते हैं, जिसके चलते रोगियों को पीठ पर उठाकर ही सड़क में पहुंचाना पड़ता है। इस बाढ़ में रहने वाले बाढ़वासियों ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि अगर विकास ऐसा होता है तो उन्हें विकास की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर जो भी चलता है वह बिना चोटिल हुए नहीं रहता। ये सड़क दुर्घटनाओं का केंद्र बन चुकी है। बड़े बुजुर्ग इस सड़क पर आने से कतराते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस सड़क को किसी नौ सीखिए ने बनाया है। उन्होंने मांग की है कि जो भी सड़क की खराब हालत का जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए। सड़क के कारण आने वाली समस्याओं के बारे में एक महिला ने बताया कि जब वह गर्भवती थी तो उसे मजबूरन अपना घर छोड़कर शहर के बीच किराए का भवन लेकर रहना पड़ा, क्योंकि उनके घर तक सड़क की खराब हालत के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी। ठीक है सर, जैसे आप देख रहे हैं, जो आप रास्ता देख रहे हैं, बस रोड आइए भाई, यहाँ पर इंसान भी ढंग से चल नहीं सकता। अभी हम गाड़ी में बैठे, मैं टाउन यहीं रोड पे मेरा फ्रैक्चर होता टांग में मेरी, तो अभी हम गाड़ी यहाँ पर बहुत मुश्किल गाड़ी यहाँ से टर्न हुई हमारी। अब तो रोड की हालत आप देख ही सकते हो, यहाँ तो एम्बुलेंस, यहाँ तो इंसान भी सही ढंग से नहीं चल सकता इस रोड पर। और रोड की कंडीशन देखिए, यहाँ तो चलना मुश्किल हो जाता है। मैं कोई बुजुर्ग इंसान, उनके लिए चलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। आने जाने में दिक्कत, कोई एमरजेंसी को रात को पड़ जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस का गाड़ी का आना मुश्किल हो जाता है रोड पर। मैं ये बोलना चाहूंगी, बीइंग एन इंडिपेंडेंट गर्ल, मैं अपनी कार ड्राइव करती हूँ। हाउएवर गाड़ी सड़क नीचे तक आती है, बट स्टिल आई कैन नॉट ड्राइव टिल माय होम, बिकॉज इतनी गंदी कंडीशन है। ऐसे कर्व्स बना दिए हैं कि यहाँ से गाड़ी मुड़ती ही नहीं है। अभी सिंस मैं और मेरी मदर इन लॉ, एक छोटा बच्चा घर पे रहते हैं, हस्बैंड यहाँ नहीं होते हैं, तो कभी कोई इमरजेंसी पड़ गई तो इट्स लाइक कि हमारे को पैदल ही ऊपर जाना पड़ेगा, कोई गाड़ी नीचे नहीं आती है। एम्बुलेंस भी अगर कॉल करो तो एम्बुलेंस भी नीचे नहीं पहुँच पाती है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। गाड़ी तो फिसलती है, आप पैदल चलोगे आप पैदल फिसल जाओगे। इतनी सड़क, इतनी गंदी सड़क है, मैं खुद भी दो बार गिरी हूँ। हाउएवर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मुझे यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा था अपनी मम्मी के घर पे, जस्ट बिकॉज कि रोड बहुत गंदी है, कि मैं यहाँ से फिसल ना जाऊँ। इलेक्शन टाइम पे तो सब बोलते हैं, बट लेट्स सी कि अभी उसका आई डोंट थिंक सो, अभी तक मुझे तो नहीं लगा। मुझे दो साल हो गए शादी करके यहाँ पे, अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं लगा है सच। जस्ट रोड बना तो दी गई है नीचे तक, बट इम्प्रूव्ड नहीं है, गाड़ी लाने का फायदा नहीं है यहाँ पे। उसमें रिपेयर हुई है, उसमें फिर आप चल नहीं सकते, आप इतनी मतलब उसमें रेशो जो डालते हैं सीमेंट एंड इसकी, तो सीमेंट होता ही नहीं उस पर, वो एक बारिश में धुल जाता है सब। सड़क बोलने को तो कागजों में ये एम्बुलेंस रोड है, दुर्भाग्य ये है कि इसमें आज तक एक बार भी एम्बुलेंस आई नहीं है। आप देख रहे हैं, आ भी नहीं सकती है। अगर विकास यही है तो इससे अच्छा तो लावारिस होना ठीक है। ठीक है, लोगों को यही प्रॉब्लम, पैदल चलना मुश्किल है, कितनी बाइक, कितनी गाड़ियों के नुकसान है, कितनी बाइक वाले गिर गए, टांग बाजू टूट जाती है, बुरा हाल है सर। अगर ये रोड ग्रेड किया अच्छा होता, इसका ग्रेड किसी इंजीनियर द्वारा कराया होता तो ये हालत ऐसी ना होती, लेकिन बिना सोचे समझे जब काम होंगे तो यही हाल होगा। माल तो लगा नहीं है, अगर माल लगा होता तो शायद विकास हमारा भी हो जाता, माल तो लगा ही नहीं है। तो क्या मानते हैं कि पैदल चलने लायक भी है ये रास्ता? सर नहीं है, लास्ट वीक मैं भी गिरा था, पैदल ही आ रहा था, गाड़ी पार्क करने के लिए आना पड़ता है, लेकिन रिस्क अपना है। हमने तो आज दिन तक एक बार भी नहीं देखी इसमें कभी एम्बुलेंस आते। जिस दिन उद्घाटन हुआ था एम्बुलेंस आई थी, फिर भी नहीं चढ़ी थी। आपको खतरों के खिलाड़ी सब अक्षय कुमार है। क्यों ऐसा क्यों? सर ये इसलिए है क्योंकि जब काम होता है तो पब्लिक को कोई नहीं बताया जाता है कि आपको क्या बेनिफिट्स है, तो आप खड़े होकर अपने आप काम करवाइए। ठेकेदार आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, उनको कुछ समझाते हैं तो बोलते हैं जी हमारे को ऐसे ही ऑर्डर है। लेकिन अगर हमारी सुविधा को देख के काम किया जाता तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने घर को ऐसा रोड चाहेगा। देखते हैं जो आ रहे हैं प्रत्याशी हमारे, उनको वो भी इसी रास्ते से आएंगे, उनका क्या कहना है उनको देखते हैं ना जी। अपना विज़न तो वो खुद बताएंगे कि क्या विज़न है, अगर विज़न में ये चीज़ है तो बेटर है, अगर ऐसा ही रहना है तो फिर मेरे हिसाब से इलेक्शन उलेक्शन सब खेल है। इस रोड की कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है, एक बार ही रोड बन चुकी है एंड कई बार यहाँ पे हादसे हो चुके हैं, कई लोग यहाँ पे गिर भी चुके हैं इस रोड पे। यहाँ पे काफ़ी अगर आप देखेंगे जैसे मटेरियल ढंग से नहीं डला हुआ है,
तो आए दिन आप देखते हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कभी बाइक से गिर रहे हैं, कभी किसी की गाड़ी यहाँ से स्केट हो रही है, तो हमारे लिए दिन प्रतिदिन ये बहुत मुश्किल बनता जा रहा है यहाँ पे टास्क गाड़ी लाना। कभी कोई बीमार हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाता है यहाँ से किसी को लेके आना। सर जिस तरह की इसकी कंडीशन है तो मुझे तो नहीं लगता कि इस टाइम यहाँ पे एम्बुलेंस चढ़ पाएगी, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा, अगर आप देख सकते हैं कि मैं एक SUV चला रहा हूँ तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के साथ इस गाड़ी को चलाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ की मेरे से वो रहेगी कि यहाँ पे जो भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, एटलीस्ट हमारे लिए और तो कुछ नहीं कि बुज़ुर्गों के लिए या कोई हमारा पेशेंट है जिसको हम लाते हैं तो उसको दिक्कत ना हो हमें लाने के लिए। बिल्कुल सर, खतरों के खिलाड़ी, हम तो खतरों के खिलाड़ी की तरह ही आ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा नीचे से गाड़ी किस तरीके से आ रही है, तो कई बार यहाँ पे लोग गिर चुके हैं, हमारे सामने गिरे हैं लोग, यहाँ पे बाइक पे आते हैं, स्कूटर पे आते हैं तो लोग गिर जाते हैं, तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है कि कल को एक कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। सर ये वार्ड नंबर 14 की सड़क है, ये एम्बुलेंस रोड है सर क्लीन का, तो इस रोड की सर बहुत ही हालत जो है वो ख़राब है। प्रशासन को देखना चाहिए कि हम रोड को ठीक करें। एम्बुलेंस रोड है सर, तो यहाँ वैसे नॉर्मल्स गाड़ी नहीं चढ़ती तो एम्बुलेंस कैसे चढ़ पाएगी सर। छत में सर दिक्कत ही दिक्कत है सर, देखो जहाँ भी देखो आप खड्डे हैं सर, टू व्हीलर वाले कई बार अक्सर यहाँ पे गिर जाते हैं जी, और जो आपकी गाड़ियाँ हैं फोर व्हीलर है सर वो स्किड कर जाती हैं, चढ़ नहीं पाती हैं, तो इस तरह की दिक्कत आ रही है जी लोगों को।